आईफोन में ब्लॉक इनकमिंग कॉल कैसे देखें, आईफोन में ब्लॉक इनकमिंग कॉल कैसे पता करें, कैसे जाने, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, आप जो है ब्लॉक करते हो और आपको जो है जानना है कि कौन कौन हमको जो अभी कॉल कर रहा है, कितने बार कॉल किया अपने आईफोन में, वो आपको जानना है, जिस भी पर्सन को आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है अपने आईफोन पर, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो जान लेते हैं कि आईफोन में अगर आप जो किसी को ब्लॉक करते हो तो आपने किन किन लोगों का जो नंबर है उनको ब्लॉक करके रखा है वो कैसे पता करते हैं। उसके लिए आपको जो अपने आईफोन में सेटिंग ऐप ओपन कर लेना होता है। सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे में आपको काफ़ी तरीके का आपको ऐप का नाम शो होगा, तो यहाँ पे आपको फ़ोन वाले ऐप पे आपको आ जाना है। ये देखिए मैं फ़ोन वाले ऐप पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे चेक कर लेना है। नीचे में यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्लॉकेड कॉन्टैक्ट, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपने किन किन लोगों का नंबर यहाँ पे ब्लॉक करके रखा है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे किन किन लोगों का नंबर यहाँ पे हमने ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब जो है दोस्तों, यहाँ पे जिन भी लोगों का हमने नंबर यहाँ पे ब्लॉक करके रखा हुआ है उनका नंबर तो आप इस तरीके से देख सकते हो, लेकिन अगर आपने जो है जिन लोग का नंबर आपने ब्लॉक करके रखा है उसने आपको इनकमिंग कॉल यानी कि उसने आपको फ़ोन किया है, तो आपको यहाँ पे आपके आईफोन पे कैसे पता चलेगा, कैसे आप जो इसको जान पाओगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि जो दोस्तों पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर आपने किसी पर्सन को ब्लॉक करके रखा है अपने आईफोन में तो आपको उसका जो है कितना बार कॉल या फिर उसका मैसेज कुछ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए आपके आईफोन के अंदर नहीं मिलेगा। आईफोन में ऐसा एक सिस्टम है दोस्तों कि आप जो है अगर किसी को ब्लॉक कर दिए तो उसका जो मैसेज है या फिर कॉल है उससे आप जो डिस्टर्ब ना हो सको करके यहाँ पे एक बार आपने ब्लॉक कर दिया तो परमानेंट वो ब्लॉक हो जाता है। जब तक आप उसको अनब्लॉक नहीं करते तब तक आपको जो है उसके तरफ से कोई कॉल या फिर मैसेज आपको शो होते हुए नहीं दिखाई देगा, यानी कि दिखेगा भी नहीं आपको। अगर किसी ने कॉल किया है, अगर आपने उसको ब्लॉक करके रखा है, तो आपके आईफोन पर नहीं बताएगा कि कितने बार उसने कॉल किया है, क्या मैसेज उसने किया है, ठीक है। ये सब यहाँ पे आईफोन पे ये ऐसा बनाया गया है। अगर हम जो है बात करते हैं कोई और दूसरा फ़ोन की, जैसे कि हम एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में बात कर लेते हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ कुछ फ़ोन में आपको जो है ब्लॉक करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप जो उसको ब्लॉक कर देते हो एंड्रॉयड फ़ोन में तो आप जो है उस पर आपको बताया जाता है कि उसने जो पर्सन है उसने कितने बार आपको कॉल किया है, ठीक है, 4 बार 5 बार वो बताया जाता है आपको। और उसके अलावा जो मैसेज भी अगर वो करता है जिसको आपने ब्लॉक किया होगा एंड्रॉयड फ़ोन में, तो उसे बताया जाता है कि उसने क्या मैसेज किया है, ठीक है। उसमें भले ही आपको जो है मैसेज आता है उसको आप जो है चेक करोगे तब दिखाता है, लेकिन मैसेज आया है वो आपको बता देता है जिसको आपने ब्लॉक करके रखा है एंड्रॉयड फ़ोन में। लेकिन हम जो है बात करें अगर अपने आईफोन में, तो आईफोन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप जो है आपको अपने किसी भी पर्सन को आपने ब्लॉक कर दिया है तो आप जो है उसका जो है इनकमिंग कॉल कितना बार आया है कैसे देख सके या फिर उसका मैसेज वो कैसे देख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे भी दोस्तों आपने जिसको ब्लॉक कर दिया है उसका कॉल कितना बार आया है, उसका मैसेज कितने बार आया है, उसको देखने की ज़रूरत ही क्या है, आपको देखना ही नहीं चाहिए। इससे फालतू डिस्टर्बिंग हो रहा है तभी आपने उसको ब्लॉक किया होगा ना, ऐसे तो आपने ब्लॉक किया नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताया दोस्तों कि आप जो है अगर अपने आईफोन में अगर किसी पर्सन को ब्लॉक करके रखे हो, किसी नंबर को ब्लॉक करके रखे हो, तो उनकी तरफ से जो भी कॉल या मैसेज या फिर टेस्ट या फिर जो भी आता है वो यहाँ पर आपका जो है शो होते हुए नहीं दिखाएगा, कितने बार आया है, क्या आया है, कौन से नंबर से आया है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बता दिया दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग मेरे को इसी टॉपिक पर वीडियो बना के पूछ रहे थे कि भैया हमको बताइए कि आईफोन में अगर कोई हमको जो है हमने जिसको ब्लॉक कर रखा है उसके तरफ से इनकमिंग कॉल कितना बार आया है या फिर उसने क्या मैसेज किया है। जी दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी टॉपिक करके सर्च मारे थे कि आईफोन में ब्लॉक मैसेज कैसे देखें, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिया है। तो आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को आप जो है सेलेक्ट करें, इससे क्या होगा हमारे और भी इसी तरीके से आईफोन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा। वैसे आपने जिसको ब्लॉक किया है उसका मैसेज या फिर इनकमिंग कॉल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपने जिसको ब्लॉक किया है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन तो नहीं है कि इनकमिंग कॉल कितना बार है वो कैसे देखें, लेकिन जो है दोस्तों आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि आपने किन किन लोगों को यहाँ पे ब्लॉक करके रखा है। उसके लिए आप जो अपने आईफोन में सेटिंग ऐप ओपन कर ले। सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद आप जो है चले जाए यहाँ पे फ़ोन वाले ऐप के अंदर, और फ़ोन वाले ऐप के अंदर आपको जो है मिल जाएगा सभी का ये वाला ऑप्शन। आने के बाद आपको नीचे मिलेगा ये ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट का, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें SMS कॉल रिपोर्टिंग, तो ये दूसरा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए हम मिलते हैं ऐसे और नए वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा गुड बाय दोस्तों।